कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार हमारे साथ है, जो कि अभी अंदर काउंटिंग से बाहर आए हैं। काउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शुरू हो गई है, क्या प्राथमिक रुझान क्या आ रहा है आपके हिसाब से? भगवान महाकाल कृपा से सफलता मिलेगी और हम पहले दौर में जिस तरह का सभी हमने आदरणीय मुकेश भाटी जी जोड़ी देखा, कांटे की टक्कर है और निश्चित रूप से कांटे की टक्कर में सफलता हमें मिलेगी। जो मुख्यमंत्री का जिला है, कितनी मशक्कत करना पड़ी, आपने कई शिकायतें निर्वाचन आयोग को की, किस तरह से आपने देखा जब मतदान हो रहा था उस समय पीठासीन अधिकारी खुद वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो एक इससे बड़ा और कुकृत्य क्या हो सकता है? लोकतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी उस सबने मिलकर यहाँ मतदान को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया, हमने भी सभी साथियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन इन सब लोगों ने मिलकर पीठासीन अधिकारियों के साथ मिलकर जो गड़बड़ की है, 17 गांव के भागे एक से लेकर अन्य जगह, तो कहीं ना कहीं बड़ी आशंका है हम सब लोगों को गड़बड़ की कि यहाँ भाजपा कुछ भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे आप? पूरे जो मतदान प्रक्रिया हुई उसमें ईवीएम को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कई जगह सवाल उठाए, आपके हिसाब से क्या ठीक रहा पूरा या कहीं गड़बड़ी की भी शिकायत? भगवान महाकाल और जनता के ऊपर छोड़ा, जो प्रभु तय करेंगे हम सबको स्वीकार है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है महाकाल कृपा से मुझे विजय श्री मिलेगी और परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, सफलता मिलेगी। रुझान आ रहा है संसदीय क्षेत्र का, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से जनता की सेवा करेंगे। जो रुझान आ रहा है उससे उत्साह है, कड़ी टक्कर अपार उत्साह है, जीत हमारी होगी। ये थे महेश परमार, जिन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया है, और जो बीजेपी के प्रत्याशी है अनिल फिरोजिया, वे भी महाकाल के दरबार में भगवान महाकाल की से आशीर्वाद देगा, वो तो चंद घंटों में तय हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस उज्जैन में भी कड़ी टक्कर बता रही है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।